नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। करीना कपूर खान के खिलाफ कुछ लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ लोगों को उनकी हाल ही में रिलीज हुई बुक प्रेगनेंसी बाइबल के टाइटल पर आपत्ति है। लोगों ने करीना कपूर के साथ दो और लोगों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई है। क्रिश्चियन ग्रुप ने उन पर लोगों की भावनाएं आहत करने का आरोप भी लगाया है। करीना ने बीती 9 जुलाई को बुक लॉन्च की है। उन्होंने किताब का प्रमोशन अपने इंस्टाग्राम पर काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से किया था। करीना कपूर ने बीती फरवरी दूसरे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने बीते दिनों किताब की घोषणा के साथ बताया था कि उन्होंने अपने दोनों प्रेगनेंसीज के दौरान फिजिकली और इमोशनली जो फील किया वो बुक में लिखा गया है। दूसरे बेटे के नाम की ऑफिशियल घोषणा सैफ अली खान और करीना ने कभी नहीं की। उन्होंने छोटे बेटे का चेहरा फैंस और मीडिया को नहीं दिखाया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के बाद करीना के पिता रणधीर कपूर कंफर्म कर चुके हैं कि तैमूर के छोटे भाई का नाम जे है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अल्फा ओमेगा क्रिश्चियन महासंघ के अध्यक्ष आशीष शिंदे ने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। उनका कहना है कि किताब के टाइटल में बाइबल जैसे पवित्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को शिकायत मिली है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इसके आगे की अपडेट जानने के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।